अब शुरू करते हैं आज का रियल क्लास। मैं आपको बताता हूँ, उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड है कि मैं एक टाइम पे पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था। तो उसमें एक बड़े नामी ग्रामी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से बड़े नामी ग्रामी प्रोफेसर प्रोफेसर संतराम थे। तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे और हॉर्टिकल्चर में नंबर नहीं देते थे। शर्मा हमें तो हॉर्टिकल्चर समझ आती नहीं। तो ऐसे क्या हुआ, जब मैं 2004 में मठ में आया, रमन विहारी गौड़िया मठ में, तो मुझे समझाया कि तुम कथा सुनना शुरू करो, पर जिसकी कथा के रस में सबसे ज्यादा आनंद आए, तुम समझ लेना आज तुम रसानंद प्रभु की क्लास में बैठे हो। तो मैं एक दिन गया वहाँ पे वृंदावन, एक बलराम प्रभु होते थे उनके साथ, और जब मैं बैठा कथा मैंने सुनता रहा। तो इसलिए मेरी बड़ी इच्छा है कि जितना आनंद मैंने उठाया उतना आनंद आज हम सब मिलके श्रीधर महाराज के श्रीमुख से हरी कथा सुने। तो मैंने निवेदन किया था महाराज को, तो महाराज ने एग्री किया कि आके आज हम सबको कथा सुनाएंगे। और एक एक बात जो महाराज बोलेंगे उसको बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे, अपने हृदय में रखेंगे और उस पर अमल करेंगे। अगर हम करेंगे तो वाकई में इस हॉस्पिटल में महाराज जो इलाज कर रहे हैं हम जल्दी ठीक होके बाकी जीवन बड़ा स्वस्थ बिता पाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीधर महाराज से कि आज हम सबको भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो आप भगवत गीता के विषय में और जो उसका सार गुरुदेव से आपने सुना है वो आज हमें श्रवण कर रहे हैं। Thank you.
सारे ग्रंथ गीता भागवत वेद रामायण सबके सब पढ़ लिया, लेकिन भगवान के नाम में आपका रुचि नहीं है, लास्ट में सबके सब जीरो। अगर भले ही हमने कोई ग्रंथ पढ़ी नहीं, केवल हमने भगवान का नाम कर लिया, समझो सारे वेद पुराण ग्रंथ हमने सबके सब पढ़ लिया। इसलिए जितने सारे ग्रंथों का जो सार ग्रंथ है यदि भागवत है। जब सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते ही वो भगवान के नाम से ही उन्होंने शुरू किया है, और भागवत को जब उन्होंने समाप्त किया है वो भगवान के नाम से ही उन्होंने समाप्त किया। इसका मतलब है सारे शास्त्र का सार भगवान का नाम। आप लोग सब लिखे पढ़े हैं, देखना जब आप लोग हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब क्लास फाइव ही आ जाए ना, बच्चों का हम क्या कहते हैं, भैया किसी तरह से क्लास फाइव को पास कर, बाद सब कुछ हो जाएगा। अब किसी तरह से बच्चा क्लास फाइव पास कर लेता है, बोले भैया दुनिया क्लास फाइव ही करता है, ये कौन सा बड़ी बात है। लेकिन जब टेंथ आता है ना, बोले देखो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर टेंथ क्लास को अच्छे नंबर से ले आए ना, बात उसके बाद में बात मेरी जिंदगी बन जाएगा। अरे बच्चा क्लास टेंथ के लिए पूरा जी जान लगा देता है, जब टेंथ पास कर लेता है, कहते जो ट्वेल्व है ना ये सबसे ज़्यादा महत्व। उसके बाद फिर कौन सा सब्जेक्ट लोगे बढ़िया, कॉलेज में तुम्हारी एडमिशन हो गया, फिर वो बच्चा पूरा जी जान क्लास ट्वेल्व लगा देता है। जब ट्वेल्व हो गया ना, बोले सारा दुनिया ट्वेल्व करता है, कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ते फिर वो किसी सब्जेक्ट को लेकर फिर पढ़ता है, सी ए हम लोग डॉक्टर जो कुछ करते हैं, जो अच्छे तरह से फिर पाँच छः साल लगा देता है, बोले भैया दुनिया तो सी ए डॉक्टर इंजीनियर करते हैं, लेकिन तुमने इतना परिश्रम क्यों किया, पैसा कमाने के लिए ना, मुझे नौकरी कर जब नौकरी करता है, बोले दुनिया नौकरी करता है, तुम कौन सा बड़ी भारी काम करते हो, ये पैसा नौकरी किसने, शादी के लिए तो किया है ना, बढ़िया घर में शादी हो जाए तभी तो तुमने इतने सब किया, या शादी तो जब शादी हो जाती है ना, बोले दुनिया शादी करता है, अरे बच्चे जन्म दो, बच्चे जन्म दो, जब फिर बच्चे को जन्म देते हैं तो भैया दुनिया बच्चे जन्म देते, फिर उनको लिखाओ, फिर उनका पूरा, फिर वही फाइव फिर टेन फिर ऐसे करते करते जब संपूर्ण जिंदगी जब बीत जाती है ना, संपूर्ण जीवन जब बीत गया ऐसे, जब शरीर छोड़ देता है, जब उसको चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं कि देख बेटा अभी तक हमने तुमको जो बताया था, क्लास फाइव पढ़ लो, क्लास टेन को पास कर लो, क्लास ट्वेल्व कर लो, इंजीनियरिंग कर लो और सी ए कर लो, हमने ये जितने सब हमने तुझे बात बताया था, हमने ये जितने सारे बात बताया था, अभी असली मंत्र तेरे कान में दे रहे हैं, राम नाम सत्य है,
और ये गोपाल नाम सत्य है और सत्य वाला दत्त है सब कोई बात झूठा है। वो तुम्हारे 12 तुम्हारे 10 तुम्हारे इंजीनियर चले यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहा। इस पत्नी को तुमने साथ फिर लगा कर तुमने शादी किया था ना वो दरवाजे तक जाएगी उसका आगे तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाली। और जितने परिवार है तेरे साथ में शमशान तक जाएंगे बस वहीं पर सर फोड़ करके घी दे करके डंडे मार कर सर फोड़ कर सबके सब घर में वापस आएगा। उसको आगे क्या जाएगा बोले भाई जी मैंने राम रतन पाए। जितने तुमने भगवान का नाम जप किया है ना अभी तेरे साथ में बोल वही आ रहा है यहाँ से कोई भी चीज तेरे साथ में नहीं जाए। इसलिए जितने सारे शास्त्र का जो तात्पर्य है केवल भगवान का नाम है। अगर सारा दुनिया के सारे काम तुम बढ़िया से कर लिया लेकिन भगवान के नाम नहीं किया ना लास्ट में सब जीरो ही लास्ट में। अगर जीवन में कुछ भी नहीं किया हमने केवल भगवान का नाम कर लिया तो समझो हमने जीवन में सारे कर्तव्य हमने कर चुके। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं वो कहते राम नाम के अंक है सब साधन की सुना अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दसना। वो एक बढ़िया उदाहरण दिया है। वो कहते जैसे एक रखो एक रख कर सिद्धार्थ में कि जीरो दो कितना आगा बोलो 10 पहले था 1 लेकिन जब उसमें एक जीरो दे दिया ना झट वो 10 गुण हो गया और एक जीरो दो कितना होगा 100 था 10 लेकिन जब एक जीरो दिया फिर 100 हो गया 10 गुण और एक जीरो दो 1000 पहले था 100 लेकिन जो एक जीरो दे दिया वो हो गया 1000 वो झट 10 गुण हो गया 10 गुण। अभी वो कहते हैं अभी एक को हटा लो अभी जीरो दो और जीरो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये वान किया और ये जीरो किया है कहते जो वान है ये भगवान की भक्ति है ये जीरो ये संसार जीरो है क्योंकि ये धर्मशाला का परिचय है। जैसे धर्मशाला में रुको नहीं तो होटल में रुको अलग अलग देश से लोग आके रुकते हैं बैठ कर खाते पीते तुम कहाँ से बम्बई कलकत्ता माड्रास बात सबरे उठी गए। उसी तरह हम केवल यहाँ गप्पे मार रहे हैं हम तुम्हारी बीवी तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चे तुम संसार लेकिन गप्पे मार रहे हो कुछ नहीं समय आएगा तो यहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए ये संसार जीरो है लेकिन वो कहते भैया जीरो हीरो बन सकता है ये जीरो हीरो बन सकता है। कब ये जीरो हीरो बनेगा अगर ये जीरो एक में अगर जुट जाएगा कहते वो एक क्या है बोले भगवान का प्रेम और भगवान की खूब पैसा कमाओ क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होती नहीं लेकिन पैसा क्यों कमा रहे ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा लक्ष्मी है ठाकुर को सेवा के लिए है। इसलिए बढ़िया बढ़िया भरोसे बनाओ है रोज रोज मटर चावल शाही पनीर हाँ मटर बढ़िया बढ़िया बनाओ बोले क्यों बना रहे हो बोले भगवान की भोग लग गया बस हीरो हो गया ये हीरो हो गया। बोले घर में झाड़ू लगा रहे हो बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हो बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा ठाकुर जी हीरो हो गया। इसलिए ये अगर ये मैं मेरा छोड़ करके ये सारे वस्तु अगर भगवान की भक्ति में जोड़ देते बस हीरो सब कुछ करो भगवान नहीं कहते सब कुछ छोड़ो भगवान कहते सब चीज को जोड़ो छोड़ने का कोई जरूरत नहीं क्यों दिया हुआ भगवान ने किसने दिया दुनिया ठाकुर ने दिया है सब दुनिया उन्हीं की है हम छोड़ने वाले कौन होते हैं। इसलिए क्या करो हर चीज को भगवान के साथ में जोड़ दो बस हीरो तो हो इसलिए सारे शास्त्र का जो निचोड़ है ये भगवान का नाम है ठीक है। इसलिए सबके सब पीछे पीछे सब ताली बजाते हुए ठाकुर के नाम थोड़ा सा पास कर अपने ठीक है। हरे कृष्ण हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Thank you.
नहीं, कहती मधुरा मधुरा मित्र मंगला मंगला, मतलब मीठे से भी सबसे मीठा भगवान का नाम, कहते मंगल से भी सबसे ज्यादा मंगल भगवान का नाम, कहते अगर किसी तरह से भगवान का नाम हमारे मुंह से निकल जाए तो प्राणी मात्र का नाम उद्धार कर देगा। इसलिए भगवान का जो नाम महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृतास्वामी है, इसलिए दो तरह का आनंद है, एक तो स्पिरिचुअल आनंद और एक फिजिकल आनंद है। कहते शारीरिक जो आनंद है देखना ये कभी बैठती नहीं है, बैठती है जैसे शादी करो शादी की और कौन कौन शादी की, इसलिए देखना जब पहले शादी करते हैं ना हमें पत्नी कैसे लगती है, बोले चंद्रमुखी, एक चंद्र का आकाश में और एक चंद्रमा मेरे पास, लेकिन वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में फिर बन जाती है सूर्यमुखी, फिर कुछ दिन बाद में वही सूर्यमुखी बन जाती है ज्वालामुखी। देखना जगत का हर आनंद, बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा है बाप कितने बढ़िया है, लेकिन इसको दो बार देख लो बोले ठीक है, तीसरा बार ठीक है, चौथा बार बैठ गए ना, पांचवा बार वहां बैठ नहीं सकते हो, अब वहां बैठ नहीं सकते हो। यही जगत का कोई भी आप चीज देखोगे, बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा हुआ बात नहीं सुनता है, कोई बढ़िया से बढ़िया चीज खा लो, रसगुल्ला खाओ के तो बहुत बढ़िया है, दो खा लो ठीक है, तीसरा ठीक बोलते इतने नहीं, अगर पांचवा खा लो तो फिर उल्टी हो जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी कहती। लेकिन जो भक्ति का जो आनंद है, जैसे घर में गीता पढ़ते होंगे रामायण पढ़ते होंगे, जैसे आप ठाकुर जी को दर्शन करते देखना, सबर भी देखते हैं, दोपहर में भी देखते हैं, शाम को देखते हैं, लेकिन जब देखो ठाकुर में कभी कभी नहीं, बल्कि ठाकुर जी नए नए सुंदर सुंदर से सुंदर देखते हैं, है? सुंदर से सुंदर ठाकुर जी देखते हैं। घर में कोई चालीसा पढ़ते होंगे, घर में सबर कोई विरक्ति आती है, रोज उसको पढ़ते रहते, रोज उसको पढ़ते रहते, इसलिए कहते जो भगवान की जो भक्ति का जो आनंद है इसमें कभी श्री महाप्रभु कहते जो नाम ऐसे की चीज है, बोले प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, कहती है प्रतिपद पद में एक नई नई आनंद प्रदान करती है ये भगवान का नाम है, ठाकुर जी का नाम, बोले ये मीठे से भी मीठे और ये मधुर से भी मधुर है, और सारे शास्त्र का निचोड़ भगवान की ठाकुर जी का नाम है। देखो एक समय ये साइंटिस्ट जो ने ये चीज को रिसर्च किया है, बोले भैया क्यों कहते हैं भगवान का नाम बड़ा मीठा है, देखो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बोले एक समय उन्होंने तीन ट्रे ले लिया, तीन ट्रे में साबुत मूंग दाल उसमें डाल दिया और थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया, एक ट्रे को साधारण जगह पर रख लिए और एक ट्रे को पास में हरे कृष्ण महामंत्र चला दिया और एक ट्रे को पास में रग म्यूजिक लगाया। अभी तीन दिन बाद में देखते ही साधारण जगह में जहाँ ये मूंग दाल रखा था थोड़ी सी ना अंकुरवाए, लेकिन जहाँ पर ठाकुर का नाम चल रहा था ना दो तीन गुना ज्यादा अंकुरवाए, और जहाँ पर रक म्यूजिक चल रहा था एक भी अंकुर नहीं आया, सबके सब मर गया, सबके सब समझ गए भैया सचमुच से भगवान का नाम ही बड़ा ताकत है, बड़ा ताकत भगवान का नाम है, ये दुनिया सबके सब शब्दों के ऊपर चलता है। जैसे हमने अगर बोल दिया आपका नाम क्या है, मनमोहन, अगर मैं बोल दू ना मनमोहन पुरुष बहुत अच्छे, इनका नेचर बहुत मीठा है, सबको ये आदर देते हैं, पिता माता की सेवा करते हैं, इनके हृदय बड़े दया देखो खुश हो जाते, खुश हो जाते नहीं, अगर यही शब्द को थोड़ा उल्टा बोल थोड़ा गाली किसको दे तो मारपीट, एक शब्द से मारपीट शुरू हो जाती है, केवल ये शब्द की कमाल है, जब साधारण शब्द भी इतने शक्ति, जो भगवान का जो नाम है सारे वेद पुराण का सार तो उसमें कितने मीठा दिया होगा भगवान का, इसलिए भगवान का नाम सबसे मीठा जगत में ये भगवान का नाम है, इससे मीठा दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए अगर हम जीवन में शांति सुख पाना चाहते हैं क्या करनी चाहिए, भगवान का नाम को देखो, इसमें तीन नाम है, हरे, हरे मतलब क्या है, जो हमारे दुख कष्ट को हर ले, इसलिए हरे, कृष्ण मतलब मन बड़ा चंचल बहुत भटकता है इधर उधर, अब क्री बोलो, क्री बोलते ही ये जो भटकता हुआ मैं ये भटकेगा, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, अर्चना मतलब आनंद देना, बोले राम मतलब जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में जो आराम, अब भगवान का नाम करो अब ये तीन चीज मिलेगा, एक मत दुख दूर जाएगी, चंचल मन भटकेगा नहीं, शांति मिलेगी और जीवन में आराम मिलेगा, हाँ ये भगवान का नाम है, और हरे मतलब राधा जी का नाम है,
कृष्ण का मन तो प्राण के चित्त को जो चोरी करती है हरण करती है, कृष्ण मतलब कृष्ण है। इसलिए ये नाम तो करेंगे हम तीन चीज मिलेगी, ठीक है ना। ये सबके सब ताली बजा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण साधारण जगह में तो जैसे शादी हो ना, फिर ना कितना दिन पहले तैयारी होकर रहेगा, कैसे सूट कैसे बूट कैसे मैचिंग की सब चीज पहन करके जाएगी। लेकिन आप किसको भगवान की कथा के लिए बुला, भगवान की कथा के लिए बुला भैया, भगवत गीता हो रही, कोई पैसा की जरूरत नहीं, फ्री है कथा सुन। कितने बहानाबाजी बनाए, अरे ये काम हो गया था कथा इसलिए नहीं आ पाया है, इसलिए नहीं आ पाया, पता नहीं कितने कितने बहानाबाजी बनाई है। लेकिन अगर कोई हीरो आ जाए, शाहरुख खान सलमान खान आ जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए, ऐश्वर्या राय आ जाए, इसको बोलना पड़ेगा बोलो, यहाँ भट में खड़े होने की जगह मिलेगी आपको, जगह मिली खड़े होने की, टिकट दे करके भी आपको चांस नहीं मिलेगा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जाबर होई है, अति हरि कृपा मतलब जिसको भगवान ने नौता देते, जिसको भगवान ने
एमात्रन दिया है, जैसे आप लोग आए होंगे कोई दूर दूर से आए है ना, लेकिन हमारे मंदिर को तो पास में आए है, हो गया आए हैं मंदिर को जो पास में हो गया आए हैं नहीं आए, लेकिन आपको पता नहीं कितने कितने दूर से आप लोग आए होंगे। अरे क्यों आए? शंकर जी कहते हैं भगवान ने आपका न्योता दिया, ये तो आपको फोन किया भैया यहाँ पर भगवत गीता की क्लास हो रही है, आप सबके सब कथा सुनने के लिए आओ। मानो ठाकुर जी आपको फोन कर दिया आ जाओ है। इसलिए कृष्ण जब बंसुरी बजाए ना, बंसुरी बैठ के नीचे ब्रज में बहुत लोग थे लेकिन सभी नहीं आए, कहते बंसुरी की आवाज सभी को कान में नहीं गई। किसके कान में गई? कृष्ण जिसको बुलाना चाहते, कृष्ण जिसको बुलाना चाह रहे थे केवल उनके कान में बंसुरी की आवाज पड़ी, और वही लोग ही वो रास में सम्मिलित हो गए। और जब सम्मिलित हो गए ना, देखो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, बोले स्वागतम मे महाभाग, स्वयं भगवान कह रहे हैं तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। क्यों? घर में कितने बाधा, घर में कितने बाधा विपत्ति होते हुए भी तुम लोग ने सब चीज को पीछे रख करके यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। तुम लोग जगत में महाभागा तो सबसे बड़े भाग्यवान। इसलिए आप लोग जो गीता सुनने के लिए आए ना, गीता किसकी मुंह से निकली है? यदि गीता सुगीता कर्तव्य इमा नई शास्त्र विस्तर ही जा स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्म विनिर्सित, स्वयं कृष्ण की मुंह से निकली हुई वाणी है। इसलिए आप लोग यहाँ श्रवण करने के लिए आए, ठाकुर जरूर आपको स्वागत करेंगे। ठाकुर जी आपको जरूर आके बिहारी, आपको रमण बिहारी आपको स्वागत करते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो गीता है ये ऐसे एक ग्रंथ है, ये ऐसे एक ग्रंथ है, ये दिव्य ग्रंथ है। जिस ग्रंथ कहते एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में भ्रमण करने के लिए गए, देखा एक ब्राह्मण बैठकर गीता पढ़ रहा था, लेकिन जो गीता पढ़ रहा था वो उल्टा पुल्टा, उसको संस्कृत नहीं आता था, इतने लिखा पढ़ा नहीं था, लेकिन वो पढ़ रहा था उल्टा पुल्टा, लेकिन गीता पढ़ते पढ़ते वो रो रहा था, गीता पढ़ते पढ़ते रो रहा था। तब महाप्रभु ने कहा भैया तू गीता पढ़ रहे हो उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हो, श्लोक को तुम एक श्लोक भी तो सही नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तू रो रहे क्यों? देखो क्या कहता है, बोले जब ये भगवत गीता को मैं खोलता हूँ देखता हूँ कुरुक्षेत्र में एक तरफ में पांडव है और एक तरफ में कौरव है, और बीच में कृष्ण और अर्जुन प्रश्न कर रहा है और कृष्ण उसको उत्तर दे रहा है। जब जब ये गीता खोलता हूँ मेरे को कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी स्वयं ठाकुर कृष्ण अर्जुन को दर्शन मिलता है, और मैं केवल उनको देख कर रोता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं ये गीता में क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। महाप्रभु बोले भैया तेरा ही गीता पढ़ना सार्थक है, तेरा ही गीता पढ़ना सार्थक है जो ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। देखो ये गीता ऐसे के दिव्य ग्रंथ है, अगर कोई सोचे अरे हमें पीएचडी किया हुआ संस्कृत में हमने आचार्य किया हम खुद पढ़कर समझ लेते हैं, अब खुद पढ़कर नहीं समझ सकते हो, इसलिए स्वयं सदा से भी अद्वैत आचार्य जो महाप्रभु का भक्त हुए वो स्वयं सदा से भी हो गए, वो स्वयं गीता पढ़ते हुए समझ नहीं पाते थे। स्वयं शंकर जी जो सदा से भी है वो भी गीता पढ़ करके, जो महाविष्णु वो भी गीता पढ़ कर समझ नहीं पाते थे। जब कोई समझ नहीं पाते थे तो वो भूखे रहते थे, आज मैं गीता का अर्थ नहीं समझ पाया, वो भूखे रहते थे। जब सो जाते थे स्वयं कृष्ण आते थे स्वप्न में, स्वप्न में आकर के उनको गीता समझाया करते थे, हैं गीता समझाया करते। देखो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, कृष्ण आकर स्वयं कहते थे, समझो ये गीता ग्रंथ कितने दुर्लभ ग्रंथ ये गीता है। इसलिए जैसे समुद्र मंथन से विष भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, ये गीता से विष भी निकलती है अमृत भी निकलती है। देखो एक ही गीता तो एक ही है ना, अब देखो कितना टीका है, कर्मी ज्ञानी भोगी योगी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसने गीता की टीका नहीं की। हमारे भारत में कितने टीका है, शब्द तो एक ही है, शब्द तो एक ही है, पर इतना अर्थ कैसे हो गया है? इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे बोले वहां पर केवल शब्द दिया हुआ लेकिन कोई टोल नहीं दिया हुआ। देखो कैसे समझाया करते थे,
एक शब्द कैसे अलग अलग मीनिंग हो गया। जैसे मैंने तुमको पूछा आपका नाम क्या है, मानस। अगर मैंने मानस को बताया, मानस तुम कहाँ गया था, इसका मतलब मेरे को पता नहीं है कहाँ गया था। यही शब्द मानस तुम कहाँ गया था, शब्द एक ही है, लेकिन जब टोन बदल गया ना उसका अर्थ अलग हो गया। तुम जहाँ गया था सही जगह पर नहीं गया था। अगर मैं बोलूं मानस तुम कहाँ गया था, इसका मतलब है मेरे को पता नहीं कहाँ गया था मेरे को। जब शब्द तो एक ही है ना, शब्द एक ही है, लेकिन जो उसका टोन बदल जाती ना, संपूर्ण इसकी भाव ही बदल जाती है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे गीता में केवल शब्द है और उसका टोन है। अभी प्रश्न है फिर ये गीता को कौन समझ सकता है, ये गीता को कौन समझ सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं साधव हृदय मोहम साधु नाम हृदय तो हम मत अन्य ना जानते ना हम जब मना बोले। उसमें भगवान कह रहे हैं साधु मेरे हृदय में रहता है और मैं संतों का हृदय में रहता हूँ, संतों का हृदय को मैं जानता हूँ और मेरे हृदय को वो संत ही जानते और कोई नहीं जानता। भगवान खुद कहते मेरे हृदय को मेरे भक्त के सिवाय मेरे हृदय को कोई नहीं जान सकते, केवल मेरे भक्त जानते, क्यों वो मेरे हृदय में रहता है, वो मेरे हृदय में बैठा हुआ रहता है, इसलिए मेरी बात को वही केवल संत ही जानते हैं। इसलिए हमारे प्रभु जी जो भगवत गीता जो आपको पढ़ा रहे हैं, अब किसकी टीका पढ़ा रहे हैं प्रभु जी, गुरुदेव के ना। इसमें श्री एक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत बड़े संत, ये राधा रानी की एक परिकर हुए हैं, राधा रानी के बहुत बड़े परिकर हुए हैं। उनकी टीका को प्रभु जी हाँ उसके अर्थ को पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो पढ़े हैं वो समझो तो परफेक्ट सही पढ़ रहे हो। जब एक किताब को पढ़ करके एक व्यक्ति कैसे बदला, ये अमेरिका ही कहता है। बोले एक समय अमेरिका में एक व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ गया, अभी वो सुइसाइड करना जा रहा। लेकिन क्या हुआ, एक समय जैसे गीता जयंती आती है ना, हमारे इस्पन के कुछ भक्त वो गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। एक व्यक्ति प्लेन से उतरा, जो उतर करके जा रहा था वो तीन चार भक्त लाइन से खड़े हो गए थे, बोले गीता लो गीता लो। जो पहला बोले गीता ले, क्या गीता गीता है, लेकिन और थोड़ी दूर गए तो फिर और एक भक्त खड़ा हुआ, बोले भैया गीता लो। बोले गीता पीता क्या, फिर चार पांच खड़े हैं, बोले भैया कितने को बोलो, दो तीन जलन देकर गीता ले लिया। बोले बेकार, कोई काम का है ही नहीं। उसको उसने ड्रा में रख लिया। जब ड्रा में रख लिया, एक दिन वो इतने डिप्रेशन में आया, अभी वो सुइसाइड करने जा रहा था, अभी उसने जब ड्रा को खोला जिसमें बंदूक था, जब उसने बंदूक को पकड़ने के लिए गया उसमें था ये भगवत गीता, उसमें भगवत गीता था। उसका हाथ में बंदूक तो नहीं आया, वो आया भगवत गीता। उसने देखा भैया इसको तो दो तीन कलर खरीद किया था, बेकार चीज था, एक बार मरने जा रहा हूँ देख लो। तो उन्होंने गीता को खोले, जब गीता को खोले देखो ठाकुर का कितना कृपा है। जब गीता खोले पहला श्लोक ही बोले कृष्ण कहते हैं अर्जुन बांसा से जीर्णानी जथा विहाय नवानी गृहानी नरोपुराण। कृष्ण समझा रहे बोले हे अर्जुन जैसे एक वस्त्र पुराना होने पर हम उसको छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ही इसी तरह की आत्मा भी जब ये शरीर पुराना हो जाती है इसको छोड़ करके एक नए वस्त्र धारण करता है, नए शरीर में जाता है। इसलिए हे अर्जुन अगर तुम शांति सुख पाना चाहते हो, उदाहरण देकर समझाए हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है, अगर हमने ये तोता को खाना नहीं खिलाए दिन भर केवल पिंजरा को ही पेंटिंग करते रहे, पता वो तोता जीता रहेगा नहीं रहेगा। बोले हम यही कर रहे हैं, ये शरीर को खिलाना, शरीर को पिलाना, शरीर को सुलाना, इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाना, इसको जिम में ले जाना, हम क्या कर रहे हैं, वो पिंजरा को तो हम खूब पेंटिंग कर रहे हैं पिंजरा को, लेकिन इसके अंदर जो तोता है ना उसके प्रति हमारे कोई ध्यान है नहीं है। इसलिए कृष्ण समझा रहे हैं स्वामी महाराज जी गीता में बड़ी अच्छी अच्छी उदाहरण दिए, वो जो इतनी अच्छी अच्छी उदाहरण दे रहे थे, कहते हम संसार में दुखी क्यों है, कारण है हम पिंजरा को ही पेंटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर में जो तोते हैं ना उस पर हम ध्यान नहीं देते। अगर तुम परम शांति पाना चाहते हो,
जब तक ये जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा, क्योंकि संसार का हर वस्तु दुखालय असाशतम सबके सब नश्वर जगत में, इसलिए नश्वर वस्तु कभी तुम्हें शांति दे ही नहीं सकता है। अगर शांति दे सकता वो परमात्मा भगवान दे सकते। वो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन पहला जब श्लोक को पढ़ा ना उसको दिमाग ही बदल गया, क्योंकि उसने तो कभी इसी विषय पर सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, उसको जैसे कि नया दिशा मिली। उसने रात भर उसी किताब को उसने पढ़ा, रात भर किताब पढ़ा, सुसाइड करना छोड़ दिया। इतने दिव्य ज्ञान है और उसमें लिखा हुआ था फौरन पर उसने फौरन किया। सचमुच ईश्वर के कुछ भक्त लोग फौरन आए तो उन्होंने पूछा आप लोग का मंदिर कहाँ पर, बोले यहाँ पर। बोले मैं सवेरे मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ? बोले आकर तो मिलो। फिर जाकर के मिले, उनको साथ डिस्कशन किया, हम तो शांति सुख पाना चाहते हैं, क्यों शांति सुख नहीं पाते जीवन में इतना दुख करते। खैर उन्हें समझाए, बोले भैया जब तक तुम भगवान की शरण में नहीं जाओगे, विश्व ब्रह्मांड की सारे ऐश्वर्य प्राप्त करते हुए भी हम सोचते हैं ज्यादा पैसा कमाने पर सुखी हो जाए, रावण सबसे सुखी हो जाता जिसकी सोने की लंका थी। हमारे पास इतना सोना होगा 10 किलो 20 किलो 100 किलो, जिसकी लंका ही सोना, सोचते हैं किसी अच्छी छोरी से शादी हो जाएगा ना सुख मिल जाएगी। रावण का पत्रिका था मंदोदरी, तो पता है मंदोदरी मतलब क्या होता है? मंदर मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत ही पतली थी, वो विश्वकर्मा की बेटी। हनुमान मंदोदरी को देखकर भ्रमित हो गए, बोले यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, बोले यही तो माँ लक्ष्मी, भ्रमित हो गए, सोचते अच्छे बेटा मिल जाए सुखी हो जाएंगे, मेघनाथ जैसे बेटा, पता नहीं कितने लाख उसके बेटा, तब भी उसके हृदय में शांति नहीं, हृदय में शांति नहीं, बेचे कोई शांति नहीं। बोले क्यों? वहां पर केवल एक व्यक्ति चैत से जी रहा था, और चैत से जी रहा था क्यों? प्रभु राम के शरण से गया, इसलिए हनुमान जी पूरा लंका जला कर राख बना दिया, कल एक व्यक्ति का घर छोड़ दिया, एक व्यक्ति का घर छोड़ दिया। शिक्षा देते भैया अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना संसार में चलते रहोगे, इसलिए अगर भक्ति करोगे तो प्रभु की तब शांति में रहोगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सब सुसाइड करना छोड़ दिया, छोड़कर अभी भी वो सन्यास लेकर वो विदेश अमेरिका सन्यास लेकर पृथ्वी में गीता को प्रचार करे। वो कहते हैं कि गीता ही मेरे जीवन को बदला दिया, मैं मरने जा रहा था बंदूक नहीं आकर के एक गीता की एक श्लोक मेरे जीवन को बदला दिया। समझो ये गीता इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भगवत गीता है, ठीक है ना। इसलिए आज जो श्लोक को ऊपर में प्रभु जी बोले बोलने के लिए, यदि जो श्लोक है ये भगवत गीता का ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक, श्लोक कौन सा श्लोक है? कहते मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु, है माम नमस्कुरु। कहते ये माम यशस्य सत्यम प्रतिजानी प्रियहस्य, भगवान कहते हैं अर्जुन अभी तो गीता में मैंने तुमको जो बात मैंने बताई गुह्य बात बताई, जितनी गोपनीय बात में भी कहते सर्व गुह्यतम, कहते ये सबसे गुह्यतम बात तुमको बता रहा हूँ। बोले क्यों है? बोले चूंकि तुम्हारे दोस्त हो, चूंकि मेरे तुम्हारे दोस्त हो। देखना इस संसार में देखना, घर में कोई लड़ाई तुम्हारी, घर में कोई लड़ाई, अब देखना ऐसे कुछ स्थिति होता, आपको सब अनुभूति होगा, जो बात आप पत्नी को भी नहीं बोल सकते हो, जो बात तुम्हारे पिता को भी नहीं बोल सकते हो, जो बात आप माता जी को भी नहीं बोल सकते हो, जो बात बच्चों को भी नहीं बोल सकते हो, ये बात दोस्त को बोलो। तो देख दोस्त तुम तो मेरे प्यारे दोस्त हो, घर में ऐसी स्थिति है जो बात मैं घर में किसी को भी नहीं बोल सकता, जो बात ऐसे कुछ बात अंदर की बात होगा जिसको हम किसी को नहीं बोल सकता हूँ, चूंकि तुम मेरे प्यारे दोस्त हो इसलिए मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे दोस्त हो, और ऐसे दोस्त कैसे दोस्त है भगवान जिनके सारथी काम करते हैं, ठाकुर जी स्वयं जिनके सारथी का काम करते हैं। इसलिए भागवत में पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं
वो स्तुति करते करते कहते हे प्रभु कहते विजय सखे रति वस्तु अनंत। मेरी अंतिम इच्छा यही है जो अर्जुन का जो सारथी जो कृष्ण है इनके चरण में मेरी प्रीति हो। इसने पूछा भैया तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, अर्जुन का जो सारथी कृष्ण को क्यों प्रणाम कर रहे हो, कारण क्या? बोले कारण है भगवान इनके प्रेम में इतने वशीभूत है, अगर इसको शांति दूत रूप में जाना है ना, ये शांति दूत का काम कौन करता है? साधारण व्यक्ति करते हैं, ठाकुर जी स्वयं शांति दूत का काम करते हैं। ये रथ कौन चलाता है? ये छोटे जाति के लोग रथ चलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी उसका प्रेम में इतने वैसे होते हैं, स्वयं भगवान उसके सारथी बनते हैं। पिता वहां भीष्म कहते हैं कहते एक हाथ में प्रभु लगाम पकड़े हुए, एक हाथ में घोड़े, जैसे घोड़े को भगाते ना हूं हूं करते करते, कहते मैं स्वयं देख रहा था ठाकुर जी कैसे हूं हूं करते करते कैसे घोड़े को घोड़े मार कर कैसे चला रहे थे। अगर घोड़े थक गए कहां विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, अगर घोड़े थक जाते ठाकुर जी उनको सेवा माली से करते, उनको खाना खिलाते, उनको खाना खिलाते हैं ठाकुर जी है। इसलिए अर्जुन के लिए ठाकुर जी क्या नहीं किए, बहुत कुछ किए है। इसलिए यहाँ पर कह रहे चुके तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तेरे को जितने गोपनीय सभी जो गोपनीय बात तेरे को मैं बता रहा हूँ। कहते ये गोपनीय बात क्या है? बोले मन मना भाव। कृष्ण कहते हैं जो मन को तो और किसको मत दिया करो, कहते ये मन को केवल तुम मुझे दो, ये मन को तो मुझे ही दो। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चतुर्थम टीका लिखते हैं और टीका लिखते हैं मन को मुझे ही दो, तो मुझे मतलब तुम कौन हो है? तुम कौन हो? बोले भगवान की जो सुंदर रूप है जिसको राधा रानी स्वयं कहती हैं कृष्ण कितने सुंदर है। बोले बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत पास कनक कपिसयम वैजयन्ति च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुखद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। यहाँ पर राधा रानी स्वयं कहती है कृष्ण कह रहा है तुम मन को किसको दो, मेरे को दो, लेकिन मैं कैसे हूँ, मैं कैसे हूँ, ये मन को मेरे को क्यों दोगे? कारण क्या? ये मन को तुम और को क्यों नहीं दोगे, केवल मेरे क्यों दोगे? तो कह रहे जो मैं हूं ना इतने सुंदर ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं। बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती कर, समझ रहे हो? कहते अच्छा हुआ भगवान तेरे को लाली नहीं बना कर काला बना दिया। कहते तू इतने सुंदर, तू इतने सुंदर, अगर तू सचमुच से लाली होता है ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए मर जाते, मर काट करके मार जाते। इतने कृष्णा सुंदर है कृष्णा है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं भूषणम भूषणांग में, हम आभूषण क्यों धारण करते हैं? सुंदरता के लिए। लेकिन कृष्ण क्यों आभूषण धारण करते हैं? सुंदरता के लिए नहीं। कृष्ण जो आभूषण धारण करते हैं वो आभूषण का ही सुंदरता बनता है। कृष्ण तो वो तो हर समय नए नए रूप में ठाकुर जी को, जब जब ठाकुर जी को देखो ना ठाकुर हर समय नए नए लगते हैं, ठाकुर जी नए नए लगते हैं है? इसलिए कृष्ण कितने सुंदर है। कृष्ण जिनके गले में सुंदर पुष्पों की माला है, और कृष्ण ये काले क्यों? बोले नवमित्यते अप्रभुसे तडिताम्बराय है। ठाकुर को स्तुति करते हैं ब्रह्मा प्रभु आपका रंग कैसे? बोले काले। बोले क्यों काले? काले कृष्ण क्यों? कारण क्या? काले का क्या? तो ब्रह्मा जी दो तीन उदाहरण बताते हैं। कहते ये मेघ कब होता है? कि जो बादल का एक नाम पानी, पानी जब घनीभूत अवस्था धारण करता है वो मेघ बनता है। पानी का एक नाम कृपा, पानी का एक नाम कृपा है। इसका मतलब है जो कृपा जब घनीभूत अवस्था धारण करता है वो कृष्ण है। इसलिए कहते हे कृष्ण करुणा हो, आप कौन हो? आप तो करुणा के सिंधु हो, दया की आप सागर हो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हे प्रभु आप तो दया के सागर हो, कृपा की आप समुद्र हो आप। बोले गुंजा बतंस, बोले भगवान अपना कान में कौन सा अवतार धारण करते? बोले गुंजा, एक गुंजा फल होता है
आपको देखे नहीं होंगे जंगल में होता है, बहुत कम पैसा में होता है वो। इसलिए भगवान कान में भूषण रूप में वो फल को धारण करते हैं। शिक्षा क्या देते हैं कृष्णा? शिक्षा ये देते हैं, ये कोई नहीं समझे मेरे को कोई बहुमूल्य वस्तु दो तरह में खुश होता भगवान कर नहीं, मैं तो केवल प्रेम का ही होता। इसलिए किताब में बोले ना, पत्र पुष्प अलग तो जो मैं भक्त्या टीका में लिखते हैं। यहाँ पर भगवान जो चार चीज का नाम लिया ना, पत्र पुष्प फल और जल, कभी ये चार चीज बिना पैसा में मिलता। भगवान कहते हैं ये मत समझो मेरे को कोई बहुमूल्य वस्तु देने पर खुश होता मुझे नहीं, बिना पैसा का ठाकुर जी नाम लिया। बोले पत्र, बोले पत्ते भी दे तो मैं खुश हो जाता। पत्ते किसने दिया? विदुर। दुर्जन की मेवा त्यागे साथ विदुर घर का। कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्जन की मेवा त्यागे साग भी दूर घरे खाई, साग भी दूर घरे खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान केवल प्रेम के ठाकुर जी भूखे हैं। इसलिए पत्र है, जिस समय भगवान साग भाजी खिला रहे थे, कई बत्र केले का छिलका खा रहे थे, इतने में विदुर जी आ गए। बोले पागले तू क्या कर रहे हो, भगवान के केले का छिलका खिला रहे हो, केला फेंकते हुए जा रहे। लेकिन वो तो भाव से खिला रही थी, ठाकुर तो प्रेम से बड़े आनंद से ठाकुर जी खा रहे थे। जब विदुर ने बताया उसको ध्यान आया, बोले भैया बात तो सही है, वो तो केले का छिलका खिलाते जा रहे हैं। तो उन्होंने केला खिलाना शुरू किया। कृष्णा ने कहा विदुर पहले केले का छिलका भी जो स्वाद आ रहा था ना, अभी केले में वो आ रहा है। इसलिए मैं केला भी नहीं खाता, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, क्यों तो मैं प्रेम ही भोजन करता हूँ, केवल मैं प्रेम की भूखे। पत्र पुष्पम, पुष्पम का फूल है, फूल किसने दिया? गजराज हाथी ने है। इसलिए जब मगरमच्छी उसको खींचते हुए ले जा रहा था, जब मुंह तक पानी आ गया तो मरने वाला हूँ, इतने में उन्होंने फूल लेकर के भगवान को बुलाया तो ना रा केवल दो अक्षर उच्चारण थी, अभी यह बोले नहीं, इतने में चक्र आकर के मगरमच्छ को काट दिया। पत्र पुष्प बोले फलम, इसकी ठाकुर जी किसकी फल से संतुष्ट हुए? बोले छोटे बेरे सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ठाकुर जी जब झूठे बेर खाए, बोले सबरी आज तुम्हारी झूठे बेर में जितने स्वाद आया ना, मेरे को वैकुंठ में लक्ष्मी आ छापा छत्तीस व्यंजन मेरे को भोग लगाते ही, इतना स्वाद उसमें नहीं आया, आज तेरे झूठे बेरे में मेरे को जो स्वाद आया है। इसलिए कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं भगवान कुंजाप तस परिपीछ लसत मुखाय, कहते कौन सा रूप जो मन मना, जो मन को मत मना, मन को जो बुझे दोगे वो रूप कैसे है? इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो गले में सुंदर फूल की माला, कान में बड़े सुंदर कनियर के फूल, और सर पर मयूर पंख, ठाकुर जी सर पर मयूर पंख लगा करके रखे, और जिनके चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी वृंदावन अपने आप को धन्य धन्य मानती है, वृंदावन अपने आप को जो धन्य मानती है, ऐसे जो कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण कहते भैया ये मन को मत मना, ये मन और किसी को मत दो, ये मन केवल तो मुझे दे, ये मन तुम्हें मुझे दे दो, ये मन को, इसलिए कहते मत मना। तो गुरुदेव इसकी उदाहरण देते थे, देखो गुरुदेव की छोटी कहानी सुनाते थे, इसको सुन लो। गुरुदेव कहते जो गीता है, ये गीता हमें कितने दूर तक ये गीता ले सकता है, ये गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ना, और ये जो श्लोक है ये गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक यही है। गुरुदेव कहते थे गीता हमें कहां तक, ये गीता हमें लेकर जा सकती है। गुरुदेव इसकी सुंदर एक कथा सुनाते थे, कहते ब्रज में अभी कोई एक नवेली नई बहू आई शादी होकर, ब्रज में जो गोपियां आती है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, पूर्व पूर्व जन्म में जो कठोर साधन भजन किए है, करोड़ों कर्म जन्म तक जो साधन किए है, वे सब के सब कृष्ण लीला में गोपी बन करके आती है। कोई नवेली आई, जब कृष्ण रोज जब गैया चराने जाते हैं, ठाकुर जी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसुरी बजाते,
अब ये बंसी ध्वनि सुनकर के जितने ब्रजवासी सारे काम धंधा छोड़ करके बाहर आ गए, बोले क्यों? बोले कृष्ण तो दया चरण के लिए जाएंगे, अभी दिन भर कृष्ण दर्शन हमें नहीं मिलेगा, कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा, फिर शाम को मिलेगा। वो जो नई गोपी आई, बोले भैया मैं भी कृष्ण दर्शन करने जाऊं, लेकिन उसका सास मना कर देती, बोले देख बहु मत जाया करो। बोले क्यों? बोले काला सांप अगर एक बार काट दिया ना, एक काला सांप तेरे को ये जहर नहीं उतरेगा, ये जहर नहीं उतरेगा, इसलिए खबरदार तू मत जा। जब तुम डोकरी होकर जा रही हो, मेरे ससुर डोकरा होकर जा रहे, मेरे ननद जा रही है, ये सांप किसको काटेगा? नहीं मेरे को काटे, बोले तेरे को ही काटेगा, और किसको काटेगा? बोले मैं तो जरूरी जाएगी, जो सांप जा रहे भी चलूंगी अभी। तो अपना घूंघट उठा करके कृष्ण का दर्शन कर रही थी, लेकिन कृष्ण को पता नहीं कौन भक्त कहाँ किस रूप में मेरे को स्मरण है। ठाकुर सब जानते कि घटघटवासी ठाकुर जी है, उन्होंने देखा ये नई आई पूर्व जन्म में कठोर तपस्या करके अभी मेरे को पाने के लिए आई। अभी कृष्णा उसको अपना प्रेम को देने के लिए क्या किया, उसको पास में तो वैसे नहीं जा सकते, एक बछड़े का मुंह गोपी की तरफ में करके उसका पूछ कर ऐंठ दिया। इतने में वो बछड़ा फुदकते हुए सीधा वो गोपी को पास में पहुंच गया। कृष्णा वो बछड़े को बहाना बना कर कृष्ण गए और बंसुरी से उसको कपल में गाल में थोड़ा स्पर्श कराए, थोड़ी सी मीठी मीठी खस करके उसको तरफ में देखे और एक बार तेरे से चितवन से उनको देख लिया। कहते भगवान की मुस्कान हाट की वो जादू है, भगवान की तेरे से चितवन नहीं, कहते तो तीर है, वो इस पार से उस पार निकल जाती है, है? इसलिए हमारे एक संत बोले बोले खबरदार वृंदावन मत जाइयो, वृंदावन मत जाइयो, अगर भूल से चले गए ना भैया वो ठाकुर जी को बांके बिहार को देखना नहीं। बोले क्यों? बोले भैया एक बार अगर उसको देखोगे ना, उसका जो सर पर मर मुकुट, जो मीठी मीठी बंसरी बजा रहे हैं, वो जो तेरी सी चितवन से देख रहे, जो मीठी मीठी जो हंसी है ना जादू है, उसको एक बार देख लगे ना, फिर कहीं का नहीं रह जाओगे, फिर राधे राधे बोलो और वृंदावन में बोल। इसलिए खबरदार अभी कृष्णा जब गए उसको स्पर्श करके उसका पैन मैन सब लेके कृष्णा चले गए। वो तो ठगी सी ठगी, उसके बहू ने देखा भैया मेरी, उसकी सास ने देखी मेरी बहू कहाँ गई, सबके सब तो वापस आ गए, लेकिन मेरी बहू अभी तक वापस नहीं आई। आकर के देखा कृष्ण उसका मन प्राण ले गए, वो शरीर तो शरीर है, मन प्राण तो चला गया, वो तो भूत लग जाए ठगी से ठगी, क्यों उसका मन चली गई। बोले तेरे को मैं पहले बोल रहा था ना काला सांप काट जाएगा तेरे को, और काला सांप ने तेरे काट दिया ना, तो मान ही नहीं, अभी सोच रही है इसको किसी चलते फिरते भी किसी काम में लगा दो। बोले भाई यहाँ पर दधी मंथन कर, तो थोड़ी देरी बाद में आकर देखती है दधी मंथन क्या करते हो, राय को मंथन उसका तो मन नहीं क्या कर रहे नहीं, बोले थोड़ा सा चलना फिरने का काम लगा, बोले जा कुएं से पानी भर कर ले आ, दो चार कलसी रख दी हाथ में रस्सी और के बच्चे को पकड़वा दिए, जा कुएं से पानी भर कर ला। जब गई ना और भी कुछ गोपियां पानी भर रही थी, वो रस्सी का फांद कलसी में क्या लगाएगा, बच्चे को गला में लगा लगा करके ना उसको कुएं में उतार रही थी। इसने कहा भैया इसको तो भूत लग गया, इसको तो भूत लग गया, लेकिन वहां पर कुछ अनुभूति संपन्न गोपियां थी, पर इसको भूत नहीं नंद बाबा भैया जसोदा का भूत लग गया। साधारण भूत हो जाता छूट जाता, लेकिन अगर ये भूत लगे ना, अब रात को शराब पियो सवेरे नशा उतर जाती है, लेकिन कृष्ण भक्ति रस का जो शराब पीते हैं वो नशा घटती रहती है, नशा कभी घटती नहीं, ये नशा ऐसे नशा है। इसलिए गुरु जी कहते थे मन मना मतलब क्या है, यदि जो मन को और किसी को मत दो, तो यहाँ पर उदाहरण देते थे ये कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव जी को, बोले हे उद्धव यद्यपि मेरे सबके सब भक्त है, मेरे सबके सब भक्त है, हैं? लेकिन होने पर भी संपूर्ण रूप में जो मत मना है ये कौन है? ये ब्रज गोपियां जैसे हमें अपना मन प्राण चित्त को जैसे संपूर्ण रूप में मेरे को दे दिया, इसलिए उनका नाम गोपी। गोपी मतलब क्या, गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों के द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है गोपी। इसलिए गुरुदेव ये मन मना जो है ये मन मना कहाँ तक ले जाती है, ब्रज भक्ति तक हम ले जाती है। इसलिए मन मना भव उसका दूसरा शब्द है मत भक्त भव, कहता अर्जुन केवल मन तो मुझे ही दो, लेकिन और किसका भक्त नहीं बनना है, और किसका भक्त नहीं बनना, कृष्ण कहते भक्त बनना तो मेरा ही
भक्त बनो, और किसका भक्त भक्त बनो बल्कियों, और भी तो बहुत सारी देवा देवी ये तो और भी तो भगवान है, कहते फिर हम और किसका भक्त क्यों नहीं बने, हम केवल कृष्ण भक्त ही क्यों बने। यानी सुखदेव गोस्वामी जिस समय कृष्ण ने पुतना को बध की, कृष्ण पुतना को बध की, ये कृष्ण कितने दयालु, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, बोले अहो बकियम स्तन काल कोटम जिज्ञासया अपि असाधि लेभे गति धातु चितम गत्वन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रज। सुखदेव गोस्वामी कहते भैया अगर भक्ति करना किसका भक्त बनना तो बाकी विचारी को बनाओ, और किसका मत बना करो क्यों। देखो ये क्या उदाहरण देते हैं, अद्भुत उन्होंने उदाहरण दिया। पर जब पुतना कृष्ण को गई थी मारने के लिए, तो उसको अंदर में कोई सद्गुण नहीं, पहला नंबर तो थी पुतना। पुतना मतलब क्या होता है, पुतना, पुत मतलब होता है पवित्र, और ना मतलब होता है नहीं जो अपवित्र थे। दूसरे नंबर में राक्षसी, तीसरे नंबर में बच्चों को खून पीने वाली, चौथे नंबर में ठाकुर जी के लिए क्या लेकर गए, बोले बीस जहर लेकर गई थी। लेकिन हमारे बाकी बिहारी कृष्ण को देखो कितने दयालु है, इसको अंदर में जो अपगुण थी ना, ठाकुर जी कोई अपगुण को नहीं देखा। उसने एक सेकंड के लिए जो एक नाटक की थी, बोले भैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुला कर रखते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। उन्होंने केवल नाटक की और कुछ नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ठाकुर ने स्थान क्या दे दिया, गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया। तो ढाई माँ की है जो मैया जसोदा की अनुगत्य में जो सेवा करती, गोलोक वृंदावन दे दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भैया पुतना, देखो क्या उदाहरण देते, पुतना, पुतना मतलब जो पवित्र नहीं थी। अगर पवित्र जो थे ही नहीं, अगर वाक्य विहार इतने उच्च कोष दे सकते हैं, अगर सचमुच से कोई स्नान करके फिर अच्छे कपड़े पहन करके आ जाए, फिर से अच्छे कपड़े पा, तब ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। फिर ठाकुर जी के लिए लाई थी क्या, बोले 20। अगर 20 लाने वाले व्यक्ति को अगर ठाकुर गोलोक वृंदावन दे सकते हैं, अब पास में कुछ नहीं, फिर से भक्ति श्रद्धा पूर्वक आओ, फिर ठाकुर तुम्हें क्या नहीं देंगे। नहीं तो भैया फल लेकर के आ जाओ ठाकुर के लिए, नहीं तो उनका प्यारा कोई मक्खन मिश्र थोड़ा लेकर के आओ, जैसे फल बिक्री ने फिर से ठाकुर को फल दिया। भगवान स्वर्ण रत्न से उसका थोली भर दिया ठाकुर जी, ठाकुर को बोला फल उसने दिया। थोड़ी दूर जाकर देखती है थोड़ी उसका टोकरी वजन हो गया, बोले इतना भोजन कैसे, उतार करके देखती है हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ है। इसलिए ठाकुर जी को 20 देने वाले व्यक्ति को अगर ठाकुर ये पोस्ट दे सकते है, फिर हमें क्या नहीं दे सकते। इसलिए राक्षसी, अगर ठाकुर जी राक्षसी को इतने बड़े पोस्ट दे सकते है, अगर उनको कोई वैसे कोई लोग व्यक्ति हो गए ठाकुर को थोड़ा प्रणाम कर दिया है, नहीं तो कोई भगवान की भक्ति करने वाले कोई गए व्यक्ति चले गए, पर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे ठाकुर जी। इसलिए यहाँ पर कहते क्यों पूर्ण श्रद्धा भक्तिया कृष्णाय परमात्मनि, अगर उनको थोड़ी सी भक्ति श्रद्धा पूर्वक कर भक्ति करे, फिर ठाकुर जी तुम्हें क्या नहीं देंगे। इसलिए कहते भैया अगर किसका भक्त बनना है ना, वो मना कर देते और किसका भक्त मत बना करो, अगर भक्त बनना तो बाकी बिहार की भक्त बनती हूँ, वो कभी तुम्हारे दोष नहीं देखेंगे, तुम्हारे गुण ही देखेंगे। इसलिए बोले गुना अब गुना प्रभु देखो गुना काहो तीना बंधो अति मृदुल स्वभाव। ठाकुर जी बड़े कोमल चित्त के, बड़े दयालु ठाकुर जी, कभी तुम्हारी अपगुण का प्रति ठाकुर कभी वो नजर नहीं देंगे। इसलिए कहते मत भक्त भव, और दूसरा दूसरा का भक्त बनोगे, कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, कहते आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ति न अर्जुन। ये अर्जुन दूसरे देवा देवी का अगर पूजा करके ब्रह्म लोक तक भी चले जाओगे, खिन्नम पुण्यम मर्त्यलोकम विसरति, पुण्य समाप्त होने पर खैर तुमको ये करना पड़ेगा, लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं जत गत्वा न निवर्तते, जहां जाने पर जीव कभी वापस नहीं आते, अगर तुम मेरी भक्ति करोगे भैया। तब हमारे गुरुदेव वहां पर बिल्लो मंगल का जो उदाहरण दिया गुरुदेव ना, उन्होंने बिल्लो मंगल की कथा दी, बोले कोई एक बिल्लो मंगल को एक भक्त हो गए, उन्होंने एक वेश्या को प्रति बहुत आसक्त हो गए, जिसका नाम थी चिंतामणि, जिसका नाम थी चिंतामणि, बहुत सुंदर थी और बड़ी कला में गाने में बजाने में बड़े निपुण होती, लेकिन है थी वेश्या,
बड़े विपुल थी वो, लेकिन होने पर उसका अंदर में तत्व ज्ञान भी थी। ये रोज उसको पास में जाता था। एक दिन उसका पिता ही शरीर छोड़ दिए। जब शरीर छोड़ दिए अभी जाने में देर हो गया, रात हो गया, पिताजी का श्राद्ध किया, लेकिन उसको पास में जाए बगैर रह नहीं सकता है। जब उसमें रात में गया है, जब रात में गया उसने नदी पार होकर चला गया और उसको चढ़ा, उसको दीवार के ऊपर में छलांग लगाया। हो गया था रात, वो सो गई थी। जब छलांग लगाया चिंतामणि ने देखा इतने जोर से आवाज कहीं, उन्हें लाइट जलाया, देखा बिल्लो मंगल, बोले तू इतने रात में कैसे आया, तुमने नदी कैसे पार की? बोले एक लकड़ी बह रहा था। बोले तुमने ये दीवार ऊपर चढ़ा कैसे? बोले एक रस्सी लटका रहा था। वो रस्सी का दिया जला करके दिखा कि सांप है, वो सर्प है। सर्प का मुंह अगर किसी बिल में घुस जाए ना, आप पूछ पकड़ करके निकाल नहीं सकते। देखा बोला जो लकड़ी, लकड़ी नहीं था वो तो मुर्दा था, एक मरा हुआ मुर्दा बहते हुए जा रहा था नदी, उसको सहारा से पार कर गया। उसने कहा तो ये शरीर किस चीज में है? टाटी पेशाब खून पी, शरीर में तो कुछ है नहीं, ये पंच रचित है ये अधम शरीर। सवेर देखो मुंह से बदबू, आंख से बदबू, कान से बदबू, नीचे से बदबू बदबू। ब्यूटी पार्लर में जाओ अब 10 मिनट के बाद धूप में चले जाओ, देखना आर फार, अब की कण कण से बदबू आना निकलेगा, इस शरीर में कुछ कुछ है ही नहीं। उसने कहा जिसमें टाटी पेशाब खून पी है इसमें तू जितने आसक्ति, अगर एक इसका एक गुण, अगर तुम एक आना, अगर तुम भगवान श्री बांके बिहारी को प्रेम करता ना, तेरा बेड़ा पार हो जाता। तुम मेरे प्रति इतने आसक्ति हो, मेरे सर्प को सर्प भी नहीं माना और मुर्दा को मुर्दा भी तुमने नहीं माना। उसने ऐसे भर्त्सना की ना, उसको ज्ञान ठिकाना सा लेकिन बात सही बता रही है। उसने संसार सब त्याग दे दिया, त्याग देकर भगवान के खोज में निकल पड़ा। अभी प्यास लग रहा था, किसी कुएं में पानी पीने के लिए गया तो वहां पर एक सुंदरी कोई सेठानी थी। अभी उस सेठानी को देखकर उसको प्रति भी आसक्ति हो गया। अब उस सेठानी जब चलने लगी उसको पीछे पीछे चला, वो तो बस जल्दी जल्दी जाकर घर में चली गई। इतने में दरवाजा में खड़ा हो गया, सेठानी का पति आया, देखा कि जटाजुट था। बाबा बोले बाबा तुम्हें क्या चाहिए? बोले थोड़ी सी आपको पत्नी को बुला दो। पत्नी बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये कुआ से मेरे पीछा कर रहा है। बोले कोई चिंता मत कर, मैं हूं ना, चिंता मत कर। जब आई बोले बाबा क्या चाहते हो? अब तो देखना पहले माताएं जो जुड़ा बनाती थी ना, खोपा बनाती थी, उसमें तीन कांटा होता था। बोले दो कांटा मेरे को दे दो। उसको पता नहीं चला कांटा क्यों मांग रहा है। उसने दो कांटा लिया, दोनों आंख को फोड़ दिया। बोले ये आंख मैंने कहा भगवान के भजन करने के लिए जा रहा था, ये आंख मेरे को ऐसे रास्ता भटका दिया। इसलिए नरेगा भांस न बजगी बांसुरी। अभी केवल तीन रात तुम भगवान की चिंता करो। देखो आप लोग देखना, ये जितना इंद्रियां है ना, अगर हमारे अंदर में सबसे ज्यादा गंदगी कोई डालता है, कौन डालता है? आंखें। भजन करने के लिए बैठो, जो चीज आप देखे होंगे ना, बस वही केवल नजर में आएगा, वही नजर में आती। क्यों? ये आंख सबसे दुष्ट है। फिर चल पड़ा वृंदावन के लिए, लेकिन वृंदावन बहुत दूर था, स्वयं ठाकुर जी आए। बांके बिहारी स्वयं आ गए, बोले बाबा बाबा आंख तो फूट गया, अभी कृष्ण नाम लेकर जा रहे हैं, उसको सहारा कौन करेगा? ठाकुर जी आकर बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जाऊंगा। बोले मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। बोले तुम भी जा रहे हो? बोले हाँ। ये तो अंधा हो गया। बोले मैं लकड़ी पकड़ ले, अरे पीछे मेरे पीछे पीछे चलो। ठाकुर जी उनको वृंदावन ले आए, हैं वृंदावन ले आए, और उसने ऐसे ऐसे भजन किया ठाकुर जी को, ऐसे भजन किया, इतने कठोर भक्ति की, जहाँ पर खाली अंदर है ना वहीं पर भजन की। स्वयं जुगल सरकार स्वर्ण राधा कृष्ण आए, आकर के कृष्ण अभी उसको दर्शन देना चाहते, आप तो है ही नहीं। इतने में राधा रानी कृष्ण को, हाँ कृष्ण को दिखा दिखा कर कह रहे और अंधे को भी बोल रहे, बोले देखो कन्हैया वहां मत जाओ, कि जो अंधा बाबा है ना बड़ा दुष्ट है, अगर तुम्हारी चरण पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। मतलब अंधे को कह रहे जल्दी सामने चरण है पकड़ लो, बांके बिहार की सामने तुम्हारी कृष्ण जल्दी पकड़ लो। और सुन लिया, झट पकड़ लिया। जब पकड़ करके बोले हे प्रभु मेरे को कृपा करके दर्शन दो, ठाकुर जी मेरे को दर्शन दो। ठाकुर बोले छोड़ दो छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ने वाला नहीं, एक बार पकड़ लिया छोड़ूंगा नहीं। इतने में उन्होंने उनका आंखों के ऊपर में हाथ फैला दिया तो फिर आंख आ गई। फिर ठाकुर को उन्होंने दर्शन किया, ठाकुर का दर्शन किया, उन्होंने भगवत दर्शन हुई है। तब उन्होंने कह के देख तू मेरे हाथ से तो निकल गया है, अगर एक बार तू दीद से निकल करके दिखा दे तब तेरे को मैं
पहली बार मानूंगा, हाथ से छोड़ गए लेकिन दिल से कभी छोड़, दिल से निकल करके दिखा दो, ऐसे भजन किया। इसलिए गुरु जी उदाहरण देते थे, बोले मत भक्त भव, अगर भक्त बनना था किसका भक्त बनो, भी वासुदेव बिहारी की कृष्ण के भक्त बनो, एक बाम चाजी। कहते पूजा करना तो किसको पूजा करनी चाहिए, कहते और किसको पूजा नहीं, पूजा कर तो श्री वासुदेव बिहारी जी को पूजा करो, हैं बोले माम नमस्कारो, अगर प्रणाम करना तो किसको प्रणाम करो, कृष्ण कहते बोले मेरे को प्रणाम, केवल तो मेरे को प्रणाम करो, बोले तेरे प्रणाम करने से क्या होगा। शास्त्र कहती है जब महाराज जब दूतों को कह रहे बोले किसको किसको मेरे पास में ले आओगे, कहते जब कह रहे बोले जुहा भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति तत सीर एकदा भी तान अनर्थम अक्रीत विष्णु कृत्या। उन्होंने व्यक्तियों को पकड़ कर ले आओ, कहते हैं जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम देव, जो लोग जीवा पा करके भगवान की गुण नाम को कीर्तन नहीं किया है, बोले चेतसन स्मरत जत चरणार विंदम, हृदय से जो एक बार भी ठाकुर जी का स्मरण नहीं किया, बोले कृष्णाय न नमत, यहाँ पर कह रहे क्यों ठाकुर को प्रणाम करेंगे, जब कह रहे कृष्णाय न नमत जत सीर कदापि, जिसने एक बार भगवान के चरण में जो सर नहीं झुकाया। भगवान कहते कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय, कृष्ण को एक बार कोई प्रणाम कर ले ना, एक बार कोई कृष्ण को प्रणाम कर ले, कहते न पुनर्भवाय, वो कभी दोबारा जन्म नहीं लेता है, बोले मातुस्तन पिवेत नहीं, कहते कृष्ण प्रणाम से मैया का दूध दोबारा तुमको पीना नहीं पड़ेगा, मतलब एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लिया तो दूध कब पिएगा, जब माँ के पेट में आएगा तब तो दूध पिएगा ना, कहते एक बार कृष्ण को प्रणाम कर तो वो मैया के दूध कभी पीना ही नहीं पड़ेगा, मतलब है ये मातृगर्भ में ये जो जन्म मृत्यु का जो जाला है, इसमें कभी तुम्हें आना ही नहीं पड़ेगा, एक बार कृष्ण प्रणाम करने का इतने महत्व है। ये तो एक अर्थ हो गया, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती दूसरा अर्थ कहते हैं, देखो बोले मन मना मन को क्या करो मेरे को दो, लेकिन अर्जुन कहते ना हे प्रभु चंचल ही मन कृष्ण प्रमाद ही बलवत देगा, ये जो मन है बड़ा चंचल है, कहते बाई को रोका जा सकता है लेकिन मन को रोका नहीं जा सकता, तो कहीं एक मिनट में विश्व ब्रह्मांड चक्कर लगा करके कि आ जाता है, है? इसलिए बोले कहते मन मना अब बोले प्रभु बता दिया तो ये मन को मेरे को देने के लिए, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करेगा, तो मन तो बड़ा चंचल है उसको सौंपी छोड़ दो, इसलिए यदि ये मन तो बड़ा चंचल है फिर ये मन को फिर हम भजन में कैसे लगाए, मन को हैं भजन में ये मन को कैसे लगाए, इसलिए अगर कहती ये मन को अगर तुम भजन में नहीं लगा सकते क्यों, मन बड़ा चंचल है भैया, कम से कम मेरे भक्त तो बन जा, कहते मेरा भक्त तो बन जा, कहते भैया तेरा भक्त बनना बड़ा सख्त है, भक्त बनना भी बड़ा सख्त है, यह भी कठिन है, कहते भैया अगर ये नहीं हो सकता है माम जाजी, तो मेरे को पूजा कर ले, तो मेरे को पूजा कर ले, भैया इसका पूजा भी इतना सहज नहीं है, इनका पूजा भी इतने सहज नहीं, इसलिए माम जाजी, बोले भैया अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते हो माम नमस्ते, बस एक बार केवल मेरे को प्रणाम कर ले, एक बार तू मेरे को प्रणाम कर ले, इसलिए ये भगवान राम स्वयं कहते हैं, जिस समय विभीषण आया था, एक विभीषण आया था प्रभु राम के चरण में शरण, विभीषण रावण को समझाने के लिए कोशिश की, देखो ये माता जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी है, आप इनको तो हम पुलस्थ वंशक हैं, हमारे धर्म में नहीं पराई स्त्रियों को लाना हमारे धर्म है, जाओ इनको वापस दे दो नहीं तो लंका ध्वंस हो जाएगा। रावण ने विभीषण को लात मार कर भगा दिया, लास्ट में विभीषण प्रभु राम के शरण में आए, जब राम के शरण में आए इतने में भगवान राम सबसे प्रश्न कर रहे थे, सबसे पूछे अभी ये विभीषण कल सबर युद्ध होने वाला है और जिस रावण के साथ में युद्ध होगा इसका एक छोटा भाई है, और जो राक्षस लोग होते हैं बड़े कपटी होते हैं, ये सरल नहीं एक बोले के तरह के दूसरे, उसका छोटा भाई अभी ये मेरे शरण में आया है, बताओ सुग्रीव को बता क्या करनी चाहिए, बोले प्रभु एकदम नहीं, ये रावण का छोटा भाई है, युद्ध जिसको साथ छोटा भाई, पता नहीं
क्या मतलब लेकर के आया है, इसलिए एकदम उसका आश्रय नहीं देना। इन्होंने और दूसरे दूसरे को जाबत सबको पूछा, कोई भी उसको आश्रय देने के लिए कोई भी राजी नहीं हुए, केवल एक हनुमान जी राजी हुए थे। बोले क्योंकि जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए थे इन्हें नहीं बताया था, हैं? जब उनको साथ में साक्षात्कार हुई ना, साक्षात्कार जब हो गई, इतने में विभीषण कहता है, आज मैं भाव भरोसा हनुमान था और बिनो हरि कृपा बिना मिला ही नहीं सकता है, इसलिए बड़ा बड़ा भाग्य है। बोले देख हनुमान, मैं तेरा एक काम करता, तुम मेरा एक काम कर लेना। बोले बताओ क्या? बोले मेरे पास में माँ और तेरे पास में बाप, मेरे पास में माँ और तेरे पास में बाप है, लेकिन जब पिता माता मिलन हो तभी तो सब काम बनेगा ना, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, माँ से तो तेरे को मिला दूंगा लेकिन तेरा एक कर्तव्य बाप से मेरे को मिला दूंगा। बोले कोई बात नहीं, इसलिए बोले कोई बात नहीं, पहले तो मेरे को माँ से मिला दे। इसलिए उन्होंने बोले जाओ माता जी, ये अशोक वाटिका में माता जी है, जाओ माता जी से मिलो। माता जी से मिल गए, अभी बोले देख तेरा काम रह गया, अभी तो मेरे को बाप से मिला देना। बोले कोई बात नहीं, लेकिन जब विभीषण आया ना, उसको तो जो पूछे बंदर सैनिक, भाई तुम एक और कहाँ से आए? बोले मैं रावण का छोटा भाई, उसको बांध करके ना रस्सी में बांध कर लिया। जब आए इतने में वहां देखा सब राम लक्ष्मण भरत, राम लक्ष्मण और वहां पर हनुमान भी बैठे हुए। अभी हनुमान की जब हनुमान ने कहा कैसे, बोले एकदम बात मत करो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तू आया था, तेरे को मैंने माँ से मिला दिया, तूने क्या बताया था? बाप से मिलाओगे, देखो मेरे कैसे रस्सी से बांध बूंद करके लाए। तब हनुमान जी ने पूछा, ये बताओ तुमने अपना परिचय क्या दिया था? बोले मैंने परिचय दिया रावण का छोटा भैया। बोले तभी तो बांध करके लाए, तभी तो तेरे को बांध करके लाए, लेकिन अगर तू ये परिचय देता हनुमान का मैं मित्र हूं ना, तेरे को स्वागत करके लिया, तेरे को स्वागत करके लिया। इसलिए जब वहां पर गए इतने में कोई भी उनको स्थान देने के लिए राजी नहीं हुए, एक मात्र हनुमान जी। तब भगवान राम स्वयं कहते हैं, कितने बड़े प्रतिज्ञा भगवान, कितने बड़े प्रतिज्ञा लेते हैं। बोले सकृत एव प्रपन्ना जस्तवा स्मितत जाचते अभयम् सर्वदा तस्मै तदामि एतत् प्रथमम्। भगवान खुद कहते जो एक बार मेरे चरण में प्रणाम कर ले, भगवान कहते एक बार केवल मेरे चरण में आकर शरणागत हो जाए, बोले प्रभु मैं तेरा तो मेरे हो, इतना केवल बोल दे, प्रणाम कर ले, मेरी प्रतिज्ञा है कि अभय सर्वदा तस्मै, मैं उसको हर समय में अभय प्रदान करता हूँ। तदापि एतत् व्रतम् मम, भगवान कहते ये मेरी व्रत है, ये मेरी व्रत है। कहते सब यहाँ पर भगवान राम कहते है, कहते रावण को मारना मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है, मैं तो चुटकी बजाते ही कहते जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सु अशेष वसुधादि विभूति वर्ण। मतलब मेरे केवल एक इशारा पर ही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। ये रावण को मारना मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, वो चुटकी बजाते हैं, लेकिन मैं तो लीला करता हूँ। अगर प्रभु नहीं करता कथा किसको सुनते बताओ, वो तो वैकुंठ में बैठे बैठे कर सारे काम कर लेते हैं, लेकिन केवल हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए करते हैं। इसलिए कहते माम नमस्कुरु, भगवान कहते एक बार केवल मेरे चरण में प्रणाम कर लो, बस इतने से ही हमारी कल्याण हो जाएगी, इतने महिमा। इसलिए भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, इसलिए कहते ये गीता की सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। उसको बाद का जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पाप बहुशामि, उसको बाद में ये श्लोक है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण कहते भगवान, इसमें बहुत बड़ी उन्होंने भगवान ने प्रतिज्ञा लिया है, बहुत बड़ी ठाकुर ने प्रतिज्ञा लिया है। भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पाप बहुशामि माम सुच। यहाँ पर कहते हैं अर्जुन तो सारे धर्म को परित्याग कर दे, कहते भैया हम तो धर्म आचरण करना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो उसको सारे धर्म को छोड़ दे। हम कहते भैया धर्म कर्म करनी चाहिए, हम कहते भैया धर्म कर्म करनी चाहिए, लेकिन भगवान यहाँ कहते भैया सब धर्म को तो छोड़ दे, ये तो उल्टा बात है। यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, ही जो धर्म है ना, कहते ये शारीरिक और मन का धर्म है, और ये जो वर्ण और आश्रम का धर्म है।
ये वर्ण जो चार वर्ण है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार आश्रम है और चार आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम है कर ये जितने सारे धर्म और जो आश्रम है हैं इसलिए इस सब चीज को पर बताए तो विश्वनाथ
कि तो भैया सारे धर्मों को त्याग दो, लेकिन ये शास्त्र कहता है जगत में आने पर आपको जो पांच ऋणी से आपको जरूर मुक्त होनी चाहिए। तो पांच ऋणी क्या है? पहले एक देवताओं का ऋणी है, ये हवा लाइट बारिश कौन दे रहे, ये देवता लोगों का द्वारा दिया हुआ है, हम सबके सब इनके पास में हम ऋणी है। दूसरा ऋणी कहते ऋषियों का ऋणी, ये जो ज्ञान वेद पुराण हमें इसको किसने दिया है, ये सबके सब ऋषि मुनियों का ये देन है, हैं? इसलिए हम इनको पास में भी हम ऋणी है। बोले तीसरा ऋणी है भूत, भूत मतलब होता है जीव, इस जगत में जन्म लेने पर भाई बंधु कुटुंबी हैं, बहुत सारे लोगों से हमें ऋणी लेना पड़ता है, हम यहाँ पर भी हम लोग ऋणी, यहाँ भी हम ऋणी हैं। चौथा जो ऋणी है कहते हम राजा ऋणी, अगर देश में राजा नहीं रहेगा अराजकता फैल जाएगी, मार काट कुसूर हो जाएगी, इसलिए चोरी डकैत गुंडागिर्दी ये सब होने लग जाएगी, इसलिए हम लोग सबके सब श्री राजा का भी ऋणी है। फिर जो पंचवा ऋणी है कहते पिता और माता भी, कहते माता जी की चरण में हम इतना ऋणी है, 100 जन्म में भी माता का ऋणी कोई नहीं चुका सकता। जो लोग पेट में बच्चे धारण किए माताओं को पता होगा 9 महीना तक बच्चे को कितने कष्ट से धारण करती है, केवल इतना नहीं जो प्रसव पीड़ा होती है वो इतने प्रसव पीड़ा इतने माताओं को पता जो प्रसव पीड़ा है, उसके बाद में फिर रात भर बच्चे रोता रहता है, हैं? फिर तो रात भर सो नहीं पाती, उसके बाद में फिर वो गीले में सो करके बच्चे को सूखा में सुलाती है, गीले में टाटी पैसा वगैरह कर दे, गीले में सो कर सूखा में सोती है, फिर मुंह की खाना निकाल करके बच्चों को खिलाती है, जो खुद को खानी चाहिए पहले बच्चों को खिला करके माँ खाती है। ऐसे ही जो माँ की जो ऋणी है भैया, ये 1000 जन्मों में भी माँ ऋणी को कोई चुका नहीं सकते, पिता माता का ऋणी कोई नहीं चुका सकते हैं। इसलिए कहते ना, इसलिए भगवान राम क्या करते थे, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिमाथा, इसलिए भगवान सवेरे उठकर पहले क्या करते थे, पिता माता की चरण स्पर्श करते थे, दशरथ महाराज जब शयन करते थे भगवान स्वयं पिताजी की चरण की सेवा ठाकुर जी करते थे, ठाकुर जी सेवा करते थे। कहते भैया इस जगत में आने पर आपको ये जो पांच जो ऋणी है, आप ये ऋणी से आप आबद्ध हो, ऋणी में आबद्ध हो, लेकिन यह कृष्ण ये क्या कह रहे हैं, तू ये सारे धर्म को छोड़ करके तुम एकनिष्ठ होकर के मेरे चरण में शरणागत हो जाओ, हैं? ये सब धर्म को छोड़ करके मेरे चरण में शरणागत हो जाओ, अरे अगर इसको सब छोड़ देंगे फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा, फिर ये ऋणी से तो तुमने मुक्त नहीं हुआ। जैसे जो साधु हो जाते हैं जो सबके सब छोड़ कर बाबा बन जाते हैं, भैया उन्होंने तो कोई ऋणी चुका ही नहीं, कोई ऋणी उन्होंने नहीं चुकाया, फिर उनका क्या होगा? लेकिन हमारे भागवत में बताया, बोले सर्वात्मना जो शरणम शरणम गतम मुकुंदम परिहर्त कर्तव्य, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में कृष्ण चरण में शरणागत हो जाते ही, तो देखो सुनो ये सारे जितने ऋणी है ना वो सारे ऋणी से अपने आप मुक्त हो जाते, क्योंकि जो दुनिया है वो ऋणी कहाँ से लिए, भगवान से लिए, सारा दुनिया भगवान से, ये ऋणी सारा दुनिया ठाकुर जी से लिए हैं। इसलिए गुरु जी की कथा सुनाते थे, गुरु जी एक समय कथा सुनाते थे, बोले एक समय एक गांव में एक सही घटना है, हमारे जो भक्ति केशव गोसाई महाराज जो हमारे बड़े गुरु जी का जो गुरु जी है, कहते गांव के दो व्यक्ति उनके पास में कथा सुनने आते थे, एक व्यक्ति तथा बड़ा धनी व्यक्ति है और एक था बड़ा गरीब व्यक्ति, ये बीच बीच बंद हो जाता है, अभी गांव के दो व्यक्ति कथा सुनने आते थे, एक धनी और एक गरीब। अभी दोनों कथा सुनते सुनते जो गरीब व्यक्ति था, अभी कथा सुनते सुनते उसको इतने गुरुजी के प्रति निष्ठा हो गई, इतना निष्ठा हो गई कथा सुनते सुनते, जब गुरुजी कथा में सुनाते थे ये जीवन दुर्लभ जीवन है, ठाकुर जी बार बार जीवन देते नहीं,
जो लाख चौरासी प्रपति के नरतन देही जिसको भगवान राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति के दरवाजा पर खड़े हुए हो। 84 लाख जन्म भटकते भटकते अगर ये जीवन में भक्ति नहीं किया तो भगवान कहते फिर सर पिटते रह जाओगे, फिर ठाकुर जी मानव शरीर नहीं देंगे, ये जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। अब ये कथा सुनते सुनते इनकी मन में जो गरीब था उसकी मन में भावना आई, भैया मेरे को तो गुरु जी की शरण में रह करके हम तन मन धन हर तरह से मठ में रह करके मठवासी होकर ठाकुर को सेवा करनी चाहिए। एक दिन उसने आकर गुरु जी को बोले, मेरे गुरु जी मेरे मन में इच्छा हो रही है आपके चरण में रह करके मठ में रह करके आपकी चरण की सेवा करे। बोले आ जाओ कोई बात नहीं। बोले गुरु जी एक समस्या है। बोले क्या है? बोले जो बड़े आदमी है ना उसने मेरे 500 रुपया ऋण लिया, उस समय 500 रुपया का बड़ा कीमत होता था, मैं जिंदगी भर भी उसका ऋण में कभी चुका नहीं सकता, जितने काम क्यों नहीं करूं, लेकिन मेरे मन में इच्छा। तब गुरु जी ने कहा बेटा कोई चिंता मत करो, मेरे शिष्य है मैं जो बोलूंगा वो मानेगा, तो मंदिर में आ जा मैं इसको बोल दूंगा तुमको पैसा छोड़ दे। जब वो धनी व्यक्ति आया तब गुरु जी ने पूछा तुमसे अमुक व्यक्ति ने कुछ पैसा ऋण लिया है? बोले हाँ गुरु जी उसने 500 रुपया मेरे से ऋण लिया है। बोले देखो इसकी मन में इच्छा है वो आश्रम में आकर के मेरे पास में रहे या पर ठाकुर जी की भक्तों की सेवा करे, तो क्या उसको पैसा छोड़ दोगे? बोले गुरु जी ये तो मेरे सौभाग्य का विषय है। बोले 500 रुपया क्यों? अगर 5000 होता 5 लाख भी होता मैंने उसको छोड़ देता हूँ। क्यों? जब आपकी श्री चरण में रह करके भक्ति भजन करेगा मठ में, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। हम दोनों ही कथा सुनते हैं लेकिन सुनने पर भी अभी तक भी मेरे मन में वैराग्य नहीं आया, श्री गुरु जी हम तो छोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ करके आए और उन्होंने गुरु जी के चरण में आश्रय लिया। यहाँ शिक्षा देते हैं उसी तरह ये जो विश्व ब्रह्मांड है ना वो ऋणी किससे लिए? ठाकुर जी से। ये जितने ऋषि मुनि ग्रह जितने हैं भगवान स्वयं कहते हैं मत भयात वातिवात वयम सूर्य स्तपति मत भयात बरसत इंद्र दहति अग्नि मृत्यु भरत मत भयात। हम कहते हैं ना ठाकुर को इच्छा के बगैर कि पता भी नहीं चलता है, भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं। ये सूर्य उदय होता है मेरे आदेश पर है, ये वायु बहती मेरे आदेश पर है, अग्नि में जो दायिका शक्ति मेरे आदेश पर है, चंद्रमा उदय होता है मेरे आदेश पर, इंद्र बारिश बरसाते मेरे आदेश पर है, विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ काम हो रहा है मेरे इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं। इसलिए जब कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप में वो भगवत शरण में कोई आ जाए ना, आ जाने पर जितने उसको जो कर्तव्य है, इसलिए कहते हैं जो संपूर्ण रूप में ठाकुर के चरण में आ जाए, भगवान 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण को नियुक्त करके रखे, जो व्यक्ति सब छोड़ करके भगवान की शरण में आएंगे उनका सारे काम ये 36 करोड़ जो कर्मकांडी ब्राह्मण को पूरा करना पड़ता है, इनको ब्राह्मण को पूरा करना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुमने ये जागत के सारे धर्म को छोड़ करके क्या करो, माम एकम शरणम ब्रज, तुम केवल मेरे चरण में तुम शरणागत हो जाओ। लेकिन यहाँ कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहते हैं माम एकम मतलब क्या है, जैसे थोड़ी सी कृष्ण पूजा भी करते हैं, बोले भैया और भी तो थोड़ा देवा देवी है ना, और भी थोड़ा देवा देवी उनको भी थोड़ा बहुत हम पूजा कर ले, उनको भी थोड़ा बहुत पूजा कर ले, भगवान कहते नहीं। इसलिए भगवान कपिल देव अपने माँ को कहते बोले माँ जो भक्ति है कहते मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जय श्रीराम, भगवान की जो भक्ति है कहते अनन्य भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान संतुष्ट नहीं होता है, भक्ति एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति नहीं होनी चाहिए है? एकनिष्ठ भक्ति से ही भगवान तृप्त होते हैं, एकनिष्ठ भक्ति से। इसलिए बोले माम एकम शरणम ब्रज, अगर हमने केवल एकांत रूप में कृष्ण शरण लेंगे तो होगा क्या? होगा क्या? तब कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा करते हैं, कहते अनन्याश्चिन्तयन्त माम ये जनाः पर्युपासित तेषां नित्याभियुक्तानां योगाख्यं भाव्यं। भगवान की प्रतिज्ञा है,
देखो ठाकुर जी कहते जो अनन्न न अन्न जो केवल मेरे शरण में आते हैं और किसी के शरण में नहीं, भगवान कहते उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। कितना काम करते हैं, क्या क्या करते हैं? कहते उसको घर में जो चीज है, भगवान कहते उसको घर में जो चीज है मैं स्वयं उसको रखवाली करता हूँ। अगर उसको घर में कोई चीज नहीं होना, भगवान कहते सर पर रख घर में पहुंच जाता हूँ, मैं सर पर रखकर उसको घर में पहुंच जाता हूँ। इतने बड़े प्रतिज्ञा ठाकुर जी ग्रहण किया है, लेकिन उनका भक्ति कैसे करना पड़ेगा? कहते बहुनिष्ठ भक्ति नहीं, जैसे सोमवार होगा हम एक मंदिर में जाएंगे हैं, हरे हरे कृष्ण, सोमवार होगा एक मंदिर में जाएंगे, किसको घर किसके मंदिर में, श्री भोले बाबा का मंदिर में बम बम करेंगे, ठाकुर जी आप मेरे लाज रखना तन मन धन तेरे चरण। अरे जब मंगलवार होगा ना शंकर जी का धर्म से देखेंगे नहीं, सीधा हनुमान के मंदिर में जाएंगे, बोले हनुमान जी तन मन धन तेरे तरफ में मेरे लाज रखना। शंकर जी सोचेंगे बड़ा दुष्ट है, ये तो कल मेरे पास में आया था वो एक ही बात कह रहा था तन मन धन तेरे चरण में, वो आज तो मेरे तरफ में देखा भी नहीं, आज जाकर सीधा हनुमान जी के मंदिर तन मन धन, ये तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा कपटी आदमी। पर बुधवार होगा ना किसी गणेश जी का मंदिर में जाएगा, बोले गणेश जी आप मेरे लाज बचाना है, इसलिए तन मन धन हनुमान देखेंगे, देखो ये कल तो ये मेरे पास में आया था आज मेरे तरफ देखा भी नहीं। कहती भैया ये कपड़ा धर्म है, धर्म नहीं ये कपड़ धर्म है। कोई अगर स्त्री किसी पति को बोले देखो पति तेरे तो सोमवार को मैं प्रेम करे, अब मंगलवार को ना तेरे को नहीं और किसको प्रेम करे, अरे बुधवार ये भक्ति होती है, ये सब कैसे धोखे देना है एक तरह का। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कहते हैं जो भक्ति है वो माम एक केवल मेरी चरण में, कहते जो इतना सारे देवा देवी देखो किसको अनादर नहीं करते, सबको सम्मान दो, कभी किसी देवा देवी को अनादर कभी नहीं करते, क्यों? भगवान ने ही उनको एक एक पोर्ट ठाकुर ने दिया। इसलिए शास्त्र कहता है हरि रेव सदा राध्य है सर्वे देव स्वरेश्वर न अवज्ञा कदाचन, शास्त्र कहता है किसको कभी अवज्ञा मत करो, क्यों? भगवान ने ही एक एक देवता को एक एक पोर्ट ठाकुर ने दिया, भगवान ने दिया सबको यथा योग्य सम्मान करो, लेकिन हृदय में ना फिर तो गिरधर गोपाला अपना हृदय में केवल वाक्य विहार के हृदय में बैठा और किसी को हृदय में स्थान नहीं देनी चाहिए। इसलिए कृष्ण इतने बड़े प्रतिज्ञा लेते हैं, आप लोग प्रभु जी से सुने होंगे जो अर्जुन मिश्र था जो गीता की टीका लिख रहे थे, टीका लिखते लिखते भगवान कृष्ण कहते हैं चोगा क्या बहा में अहम, मैं स्वयं सर पर रखकर को भक्त घर में पहुंचाता हूँ, भक्त के मन में शंका होगी, बोले भगवान इच्छा करने मात्र से ही विश्व ब्रह्मांड में भरण पोषण हो जाता है, ठाकुर को सर पर रख कर क्यों देनी चाहिए, वो काट कर लिख लिया ददा में हम, मैं स्वयं नहीं देता हूँ मैं दूसरों को तरह दिला देता हूँ, जो ब्राह्मण भिक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं मिला कृष्ण स्वयं बलराम स्वयं सर पर रख करके दाल चावल सब्जी घर में पहुंचा करके ठाकुर जी जाते, ठाकुर स्वयं पहुंचा कर घर में जाते, जो उसने आया किसी ने भी भिक्षा नहीं दिया, स्वयं कृष्ण बलराम घर में पहुंचा करके ठाकुर जी। इसलिए जब हम भक्ति करेंगे, देखो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास पटेल, ये लोग चार भाई थे, चार भाई ना कोई काम धंधा नहीं करते थे, सबके सब घर में बैठी करके ढोलकी मजीरा लेते थे, सरादीर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सरादीर हरे नाम करते थे। एक दिन महाप्रभु आकर के बोले श्रीवास तुम चार चार भाई बोगी है बच्चे कोई काम धाम नहीं करते हो, दिन भर ही हरि कीर्तन करते हो, संसार कैसे चलेगा, या तो क्या हो? हाथ में तीन ताली बजा दिया, बोले तीन ताली क्यों बजा, मैं कह रहा हूँ भैया संसार कैसे चलेगा तो तीन ताली बजा रहे, बोले प्रभु गीता में अपनी प्रतिज्ञा की जो मेरे एकांत रूप में मेरे शरण में लेते हैं उनका सब दायित्व तो मैं लेता हूँ, जब आप स्वयं लिए फिर मैं आप क्यों करे, आपके आदेश को पालन कर रहे, बोले फिर ताली क्यों बजाया, बोले एक दिन तेरे नाम लेकर देख लेंगे घर में कुछ आता कि नहीं,
बोले दूसरा ताली, बोले दूसरा दिन भी देख लूंगा, बोले तीसरा, बोले तीसरे दिन भी देख लूंगा कुछ आता कि नहीं, बोले नहीं आया तो बोले गले में पत्थर बांध के सीधा डूब मरूंगा। बोले भगवान झूठ मूठ कैसे बोल दी, भगवान इतने खुश हो गए, महाप्रभु इतने खुश हुए, उसको पीठ पर हाथ तप तपाए, बोले श्रीवास मैं तुमको वरदान देता हूँ, लक्ष्मी स्वयं कभी दरवाजा दरवाजा में उसको भीख मांगने पड़ जाए लेकिन तेरे घर में कभी अन्न वस्त्र की कभी कभी नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं कहते इतने बड़े प्रतिज्ञा ठाकुर जी ग्रहण किए, जो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, केवल कृष्ण चरण में शरणागत होने पर इतने लाभ। आप लोग स्वयं यहाँ देख लो, हम लोग कोई थोड़ी काम धंधा करते हैं, ठाकुर का नाम कथा प्रचार करते हैं, देखो कितने बड़े बड़े जन्माष्टमी में देखे हो, कौन कौन आए जन्माष्टमी में, आए हो राधाष्टमी में आए हो, हमारे गुरुवर की तिथि में आए, जैसे रामचंद्र गुरु बेचे जुटा रहे रामचंद्र को, कितने बड़े बड़े उत्सव, कितने बड़े बड़े भंडारा, और कितने ये कहाँ से आती है, कहाँ देने वाले कौन है, भैया देने वाले श्री ठाकुर जी, लेकिन उनका जो प्रतिज्ञा है अनन्य माई अनन्न भावेन भक्ति कुर्वन्ति यतिगाम अनन्न चिंतयेत माम, एक बैठ होकर के भगवान को, दूसरे भगवान क्या करते हैं जोगा बहाम्यम, दूसरा काम करते हैं जो चीज घर में ही रखवाली करते हैं, कैसे बोले एक समय दो चोर गोस्वामी तुलसीदास जी के घर में चोरी करने पहुंचे, बाबा के पास में लोटे सोटे लगुटे कुछ है नहीं, छोटी सी पत्ते से कुटिया, वो चोरी करने के लिए पहुंचे ना दो चोर, देखा दो बालक श्याम और एक गौर रंग के, एक नीलांबर पिता पर मुकुट पहने हुए, शरीर में हीरे जवाहरात जड़े हुए, धनुष बाण लिए हुए, उन्होंने देखा उसको घर को चारी तरफ पे कुटिया दी पहरादार के तेरे, वो चोर ने देखा वाह बाबा का तो बड़े सुंदर दो चेले हैं, इनके सारा शरीर में हीरे जवाहरात है, जब ये सो जाएगा ना इनका भी चोरी कर लेंगे, लेकिन ठाकुर जी रात भर, ठाकुर जी और राम लक्ष्मण थे, रात भर कुटिया के तरफ में घूमते रहे, रात भर घूमते रहे, चोर ने देखा ये सो नहीं रहे, क्या बात है रात में भी सो नहीं रहे, जब सवेरे होना भागे दोनों चोर, ये तो सोए नहीं दूसरे दिन आएंगे, लेकिन एक बार प्रभु को रूप देख लिया ना, उनका जी नहीं भरा, उनका मन नहीं माना, फिर देखने के लिए आए, बोले भैया बड़े सुंदर थे, आकर के तुलसीदास जी बोले, तो उन्होंने सही बात बोले तुलसीदास, उन्होंने देखा घर में बाबा का कुछ है ही लोटे सोटे लपूटे, बोले बाबा कल आपके घर में हम तो चोरी करने आए थे, आपका दो चेले देखे, देखकर तो मन भरा नहीं, एक श्याम रंग का एक गौर रंग का, एक पीतांबर एक नीलांबर, दोनों हाथ में धनुष मुकुट थे, सारा शरीर में हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, जगमगा रहे थे दोनों बालक, कहाँ हैं, बोले भैया जिंदगी में मैंने कोई चेला ही नहीं बनाया, चेला ही नहीं बनाया नहीं, वो इसका वर्णन से इनको पता चला ये मेरे प्रभु राम लक्ष्मण स्वयं हैं, रात भर पहरादार दिया, बल्कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लोटे सोटे लंगोटे, इसके लिए ठाकुर को रात भर सोना नहीं पड़ा, उसको भी लेकर गंगा में बहा दिया, इसको भी लेकर गंगा में बहा दिया, इसलिए यहाँ पर कहते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते जो सारे धर्म को छोड़ करके केवल मेरे शरण में आ जाते हैं, कहते अहम त्वाम सर्व पाप मोक्षयिष्यामि माम, तो कभी डर लगता है ना भैया, इतना दिन से ये देवता को ये देवी को पूजा किया, घर में कोई अनहोनी हो नहीं जाए, अगर कुछ हो गया, अरे हम ये देवी का देवता का पूजा छोड़ दिया ना, डर जाता है ना, भगवान कहते भैया मां सोचो कोई चिंता की बात मत करो, अहम त्वाम हैं मैं तुमको सर्व पापेभ्यो जितने सारे पाप से मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, इसको ऊपर एक एक शब्द के ऊपर में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत बढ़िया बढ़िया टीका लिखे, माम शब्द क्यों मैं शब्द क्यों इसका क्या रहस्य, एक एक शब्द के ऊपर उन्होंने बढ़िया बढ़िया टीका उन्होंने लिखे। अभी समय बहुत हो गया है इसलिए ये दो श्लोक गीता की सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, और उसमें जो शरणम जो बताए ना वहां पर भी बताए शरणागति छह तरह का, कितना तरह का क्या क्या है, कहते आनुकूल संकल्प प्रातिकूल विवर्जनम रक्षिषति इति विश्वास गुप्तत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविध शरणागति। ये जो शरणागति का जो व्याख्या किया, शरणागति का क्या महत्व, और कभी होगा तो हम ये शरणागति के ऊपर बताएंगे, ये छह शरणागति कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आओगी, क्या शरणागति है, आइए शरणागति की कितने महत्व है, कभी होगा तो और एक दिन कभी हम सुनेंगे, ठीक है, अभी बीच में रामचंद्र प्रभु जी से आशीर्वाद दे देंगे।
प्रभु थोड़ी सबका आशीर्वाद दे। हीरो तो मीटिंग के लिए जा रहे हैं। एक मीटिंग है प्रभु जी से। तंथा छूटा नहीं है सर। बहुत ही क्रिया अभी चालू है। हीरो तो छूटा नहीं है। अभी देख रहे हैं। दूसरों की देखी जाती है। हम लोग तो पापी हैं सर। बहुत ही पापी हैं। देखो आज कुछ बार महाराज जी यहाँ आए आप लोगों को अपने सुंदर सुंदर उपदेशों के आशीर्वाद दिया है। तो मैं भी इस बीच में घुस गया। इसका उद्देश्य ये है देखे जाइए स्वार्थी आदमी देना जानता है देना नहीं जानता। मैं बड़ा स्वार्थी देने की बात तो आती नहीं मुझे। आशीर्वाद जैसी चीज तो मैंने अपने सारे घर कोने कोने खोज के देखी कहीं आई नहीं मेरे पास। तो मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। महाराज जी भी यहाँ बैठे हैं आप लोग भी बैठे हो आप लोग भी आशीर्वाद दे दोगे। जैसे हम लोग कोई भी प्रक्रिया करते हैं भक्ति का कार्य भी हो प्रचार का कार्य भी हो सेवा जिसे कहते हैं उसमें भी मेवा खोजते हैं समस्या की सेवा में मेवा खोजते हैं। आदत है स्वार्थ कहने को तो मैं जा रहा हूँ विदेश जा रहा हूँ और प्रचार के लिए जा रहा हूँ लेकिन उस प्रचार में भी अपना सुख अपनी समृद्धि अपना कंफर्ट कहीं ना कहीं से भोग वासना आई जाती है। इसलिए आशीर्वाद देने आया हूँ कि जो भोग वासना आती है वो आप लोगों की कृपा से या तो ना ही आए या कम आए आनी तो है। और दूसरा नया साल आ रहा है और आप लोगों का ये कार्यक्रम इस साल का अंतिम कार्यक्रम है और अब वो नए साल में तो साल तो नया आ रहा है हम पुराने ही हमारे अंदर कोई परिवर्तन आया कि नहीं ये देखना है। वही चमड़ी है वही खाल है वही विचार है वही हाल है
और तो और एक साल और हम बूढ़े हो जाएंगे, जिंदगी कम हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, बात समझ रहे हो? जिंदगी कम हो जाएगी और उम्र बढ़ जाएगी। तो ऐसी ऐसी अवस्था में हम अपने को कैसे कैसे बचाएं? तो ये अंग्रेजी सिस्टम में एक सिस्टम आता है, उसे कहते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो नए साल का रिजोल्यूशन हम ले लें। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है नव नवायमान किशोर। एक तो वो हमेशा किशोर रहते हैं और दूसरे वो हमेशा फ्रेश रहते हैं। उनके यहाँ नया साल नहीं आता है। नया साल का मतलब है पुराना साल, एक पुराना हो गया और एक नया हो गया। उनके यहाँ तो नित्य नूतन है, पुरातन है ही नहीं, पुराना होता ही नहीं। तो उस नित्य नूतन के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो फिर हम भी शायद पुरातन। तो ऐसा रिजोल्यूशन लें कि और जुड़े हैं हम उनके नव नवायमान वाले के साथ और जुड़े हैं, फ्रेश एवर फ्रेश वाले के साथ हम और जुड़े हैं। बस यही रिजोल्यूशन भी आप लोग ले लीजिए और मेरे पे कृपा कीजिए तो आपका रिजोल्यूशन पूरा हो जाएगा। आपका रिजोल्यूशन पूरा हो जाएगा, टाइम बहुत हो गया है। आप लोग अब प्रसाद लो और कुछ पूछना है तो पूछ लो, लेकिन आज पूछने जैसा होगा नहीं, महाराज जी साथ आए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के महात्माओं के संग से ही सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। आज मेरे हल में अब पूछना नहीं, बस एक चीज को ध्यान रखना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट। बस एक फार्मूला याद रखना, हाउ टू नो, वो तो हमने देखा है, यहाँ आ जाने से हमें पता चल जाता है, सारी चीजें हम सीखते हैं। हाउ टू नो बाई कमिंग टू LMB भाई। अब बाकी दूसरा फैक्टर क्या है? हाउ टू इम्प्लीमेंट बाई लिविंग द LMB भाई। बात समझ आ रही है? यहाँ आओ तो सीखो और जाओ तो उस पर क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, अमल करो। तो यहाँ आना सीखने के लिए, यहाँ से जाना उस पर अमल करने के लिए। तो ये वाला फार्मूला न्यू ईयर में याद करना, हाउ टू इम्प्लीमेंट। अब ये ना हो कि हाउ टू इम्प्लीमेंट करने हाउ टू नो वाला सिस्टम खत्म कर देना। हाउ टू नो क्या है? यहाँ आना है और सीखना है। अगर आओगे नहीं तो सीखोगे, ठीक है? और आप इसमें दो मिनट खड़े हो जाओ, एक मिनट Jai 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 Jai
बाहर से नहीं आते हैं।